इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की एक बैटरी की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने की सूचना के बाद दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ चुकी थी। फैक्ट्री में रखा करोड़ों का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं दमकल की टीम ने लगभग 20 से भी ज़्यादा टैंकर पानी की मदद से आग पर काबू पाया। बता दें, फैक्ट्री में किसी भी तरह का इमरजेंसी फायर कंट्रोलर मौजूद नहीं था, जिसके कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हमको मिली थी सावे रोड दीपमाला ढाबे के पीछे जैन फैक्ट्री है, बैटरी बनाती है, उसमें आग लगी है। तत्काल मतलब क्या की दो गाड़ी सावेर भी आई है, सावेर रोड फायर स्टेशन की, और एक लक्ष्मी नगर की, एक मोती तबेला की, चार पांच गाड़ियां इकट्ठी हुई है और 5-6 टैंकर है, और इसको कंटिन्यूस मतलब क्या की बुझा रहे हैं। प्लास्टिक है इसलिए इस कारण से मतलब हमको दिक्कत आ रही है। हाँ, ये तो मतलब क्या है कि वरिष्ठ अधिकारियों का काम है, हमारे देखने का काम नहीं है, वैसे नहीं लगाते हैं। नहीं, जनहानी तो नहीं हुई है, पर मतलब क्या दो चार हम आए जब हम आग बुझा रहे थे, 2-3 विस्फोट हुए थे। ये अभी कारण नहीं बताया है, क्या कारण, कैसे आग लगी है, किस कारण से लगी है, कोई कारण नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं मिली। अभी कंटिन्यूस काम चल ही रहा है, कम से कम 20-25 टैंकर पानी लग चुके हैं और अभी कंटिन्यूस चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएसआर टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।